हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएसई 2020 फिजिक्स डिस्कशन। और स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन से पहले, मैं आप लोग को बता देता हूं कि मंडे को हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कंडक्ट कराने वाले हैं और जिसमें काफी सारे अच्छे फंडे आप लोग को दिए जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग उस वर्कशॉप को अटेंड करो मंडे 22 जून। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोग सिंस इस पेपर को अटेम्प्ट कर ही चुके हो, अगर आप लोगों ने अभी तक पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो मेक श्योर कि नेक्स्ट लॉट में आप इसको 100% अटेम्प्ट करो। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे प्राइजेस को जीतने का और आगे की जो लाइफ है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मेक श्योर कि आप लोग नेक्स्ट लॉट में पेपर को अटेम्प्ट करो। एंड जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है तो उनके लिए, सिंस आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल डायरेक्टली प्रोवाइडिंग यू द हिंट्स एंड कैलकुलेशंस आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डेटा कोई मतलब नहीं है, जस्ट हम लोग को ये बताना है कि सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स कौन कौन सी हैं। तो बस उनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और बस उसके बाद ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, लाइक दिस क्वेश्चन। तो इसमें दोनों की लेंथ सेम है, अगर आप एबी को कंसीडर करो तो एबी के लिए तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा ग्रेविटी के बराबर, एंड अगर आप सीडी को कंसीडर करो तो ग्रेविटी इज लाइक दिस, इफ दिस एंगल इज 60 तो ये 60 आ जाएगा। तो डीसी के अलोंग जो ग्रेविटी का कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा जी कॉस 60। और टाइम का एक्सप्रेशन हम लोग को पता ही होता है, लेंथ जैसे एल मान लो तो रूट 2L बाई ए। फर्स्ट केस में एक की जगह पे जी रख दोगे, सीडी के केस में जी की जगह पे जी कॉस 60 रख दोगे और फिर रेशियो ले लोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखो जैसे जैसे ये हाइट एच के बराबर है, लेफ्ट वाले का मास लेट से m1, राइट वाले का मास m2, तो इधर पे लेफ्ट पे ग्रेविटी का जो कंपोनेंट आ रहा होगा वो m1 g साइन अल्फा और इधर पे जो आ रहा होगा वो m2 g साइन बीटा। अच्छा, लेट से नॉट लेट से लीनियर मास डेंसिटी m/l, m1 कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू, और ये जो हाइपोटेनस आएगा तो देखो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है तो वो आ जाएगा h अपॉन साइन अल्फा के बराबर। अब अगर आप m1 g साइन अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो लैम्डा h अपॉन साइन अल्फा इंटू जी इंटू साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जब आप m2 g साइन बीटा निकालोगे तो उसमें भी साइन बीटा और साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा और वो आपके पास सीधे सीधे लैम्डा एच जी आ जाएगा। तो दोनों तरफ से यानी कि m1 g sin अल्फा ये भी लैम्डा एच जी के बराबर और ये भी लैम्डा एच जी के बराबर, तो नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो बस ये आंसर है। अच्छा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये वाला 5m इसके साथ कैंसिल, ये 2m वाला 2m के साथ कैंसिल, ये 5 वाला इसके साथ कैंसिल, ये 2m वाला 2m के साथ कैंसिल, इधर पे 3m और m है, 3m का अट्रैक्शन इधर आएगा, m का अट्रैक्शन इधर आएगा, रिजल्टेंट अट्रैक्शन 2m का आ गया, इधर पे भी रिजल्टेंट अट्रैक्शन 2m का आ गया, तो a और b का जो फोर्स है वो तो सेम हो गया। सिमिलरली c और d में देखो तो 2m का अट्रैक्शन ऐसे और 2m का अट्रैक्शन ऐसे, बट अब फोर्स जिसपे लग रहा है उसका मास भी डबल हो गया, तो मास अगर डबल हो गया तो मास तो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड करता है फोर्स, तो मास अगर डबल हो गया है तो जो फोर्स है वो भी डबल हो गया होगा और सी और डी के केस में वो इक्वल आएगा, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पास ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज को डबल करना है, रेंज को अगर डबल करना है तो जो वेलोसिटी है वो डबल होनी चाहिए, तो पहले तो जो वेलोसिटी होती है वो अपना रूट 2gh, h की वैल्यू 10 मीटर, और अब अगर वेलोसिटी को 2v करना है तो यहां पे लेट्स से जो एक्सेस प्रेशर लगाया है वो डेल्टा पी का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट का है ही, तो टॉप मोस्ट पॉइंट और ओरिफिस के बीच में आप बर्नौली थ्योरम लगा दो, तो डेल्टा पी प्लस पी नॉट, वेसल को लार्ज ले लोगे तो वहां पर वेलोसिटी है नहीं, प्लस रो जी एच, और ओरिफिस पर प्रेशर पी नॉट, वहां पर लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो 2v और रेफरेंस लेवल पर आ गए तो रो जी एच का टर्म नहीं आएगा, तो ये पी नॉट और पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, रो जी एच आपको पता ही है वी स्क्वायर के बराबर है, वो यहां पे आप लोग पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ,
अब देखो जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसे, ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे। अगर लेंथ को डबल करोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ हो जाएगी। तो लेंथ अगर इंक्रीज की, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी तो उनका डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। तो लेंथ डबल करने पर फ्रीक्वेंसी हाफ, डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज तो जैसे इनर रेडियस, छोटी वाली रेडियस को अगर R1 ले लेते हो, बड़ी वाली रेडियस को R2 ले लो, और किसी स्टेट पर यहां पर S1 है और यहां पर S2 है। सबसे पहली चीज तो आप T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब कर सकते हो। टाइम पीरियड्स का रेशियो हम लोग को पता है तो, और R1 पता है तो R2 निकल जाएगा। अच्छा, अब R1 R2 निकल के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये अगर ऐसे है तो ये इस तरह से होगा। तो देखो, व्हेन दे आर फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, अच्छा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर सोच रहे हो तो सीधे 2 पाई r बाई t से आ जाएगा। r दोनों का पता है, t दोनों का पता है, दोनों की वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर वो फार्देस्ट है तो वेलोसिटीज को एड कर देना, एंड अगर मान लो कि दोनों नियरेस्ट है, S1 किसी तरह से किसी इंस्टेंट पर यहां पहुंच गया, तो उस केस में दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट कर देना। बस यही करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, एक बार फार्देस्ट के केस में और एक बार नियरेस्ट के केस में, और देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा, अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक मेटल स्फीयर है और केज है, और केज का मास एन एम जी, स्फीयर का मास एम जी, केज का एक्सलरेशन ए, स्फीयर का भी एक्सलरेशन ए, इस पर ऊपर के एक्स का फोर्स, इस पर के एक्स का फोर्स, और ऊपर की तरफ कैपिटल एफ का फोर्स। केज की इक्वेशन लिखो, तो एफ माइनस के एक्स माइनस एन एम जी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एन एम इनटू ए। फिर स्फीयर की इक्वेशन लिखो, तो के एक्स माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, ए कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे एक्स निकल जाएगा, और एक्स निकल जाएगा तो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से आ जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें मान लो कि कुछ टाइम के बाद स्लिपिंग स्टार्ट में थी और स्लिपिंग बाद में बंद हो गई। अच्छा, तो ये वेलोसिटी v हो गई और एंगुलर वेलोसिटी v by r आ जाएगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट लेट से p। तो पहले सिर्फ रोटेट कर रहा था तो i ओमेगा लिखोगे, सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा नॉट। बाद में ट्रांसलेट भी कर रहा है एमवीआर प्लस रोटेट भी कर रहा है, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू वी बाय आर। तो यहां से एम का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो यहां से अपने पास वी की जो वैल्यू आ जाती है वो ओमेगा नॉट डिवाइड बाय ओमेगा नॉट आर डिवाइड बाय थ्री आ जाती है। उसके बाद v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा देना। ये क्यों लगा सकते हैं? बिकॉज जब तक स्लिपिंग हो रही है इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, तो इनिशियल जो लीनियर वेलोसिटी है जीरो है, सीधे एक लाइन में आपके पास टाइम आ जाएगा। इसको आप काइनेमेटिक्स या लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते थे, उसमें एक्स्ट्रा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, टॉर्क और की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, तो आई हैव अवॉइडेड दैट। अच्छा, ट्रायंगुलर पोर्शन को कट किया है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ट्रायंगल की जो हाइट है r बाय 2 है, तो ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बेस से वो आ जाएगा r बाय 6। अब वो चीज अगर r बाय 6 है तो एपेक्स से हाइट r बाय 3 आ जाएगी। इस सेंटर को मान लेते हैं ओरिजिन, तो पहले कंप्लीट डिस्क,
लेट्स से सरफेस मास डेंसिटी जो भी है वो सिग्मा के बराबर है और YCM निकालना है। तो कंप्लीट डिस्क का, कंप्लीट डिस्क की रेडियस R, ठीक है, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया कंप्लीट डिस्क का मास और उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही है। अब जो पोर्शन रिमूव किया है उसका मास लिख रहे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया लिखना है, तो हाफ बेस तो हो गया आर के बराबर और हाइट है आर बाई टू के बराबर, ये एरिया आ गया और सरफेस मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास मास आ गया और ओरिजिन से उसकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आर बाई थ्री डिवाइड बाई कंप्लीट मास माइनस ट्राइंगल का मास, बस को सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा। ओके, इसका तो मैं सीधे हिंट देके आगे बढ़ सकता हूं, यहां पर NA, यहां पर NB, मैन का मास प्लैन का मास नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, नेट फोर्स जीरो करो पहले, तो NA प्लस NB जो आ जाएगा वो मैन का मास प्लस प्लैन का मास। अच्छा, फिर A का एक्सप्रेशन चाहिए तो B के अबाउट टॉर्क बैलेंस लिख दो, तो जिस इंस्टेंट पे ये कभी तो x है, ठीक है, b से na की डिस्टेंस देखोगे तो वो 4 मीटर है और बॉडी वेट देखोगे na का जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा क्लॉकवाइज, बाकी बॉडी वेट दोनों बॉडी वेट का जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज, तो mg लिखोगे मैन का तो आ गया mgx और प्लैंक का बॉडी वेट उसके सेंटर ऑफ मास से काम कर रहा होगा, टोटल इन 6 मीटर है तो ये 3 मीटर आ जाएगा, तो ये 2 मीटर आ जाएगा, तो प्लस एम जी इंटू 2 मीटर। सो शायद इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, सीधे यहां से आपका एनए आ जाएगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक्सप्रेशन एक्स के साथ लीनियरली इंक्रीज करता हुआ आ रहा है। अच्छा आई एम सॉरी, एक्स जो डिस्टेंस है वो तो एक्स इक्वल टू जीरो से है, यहां से डिस्टेंस एक्स दे रखी है, तो बी से डिस्टेंस क्या आ जाएगी 4 प्लस 1 यानी कि 5 माइनस एक्स, तो नॉर्मली इसे जो है एक्स साथ डिक्रीज कर रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर आना चाहिए, यस आंसर इज बी ऑप्शन, वो सिंस हम लोगों ने पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क लिखा है तो पॉइंट बी से मैन की डिस्टेंस लिखनी होगी। अच्छा ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी होगा, एससी वर्मा में सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकालना है, यहां पर जो टेंशन होगा वो इस पोर्शन की बॉडी वेट की वजह से आ रहा होगा, तो यहां पर एक्स डिस्टेंस पर अगर आप एक डीएक्स का एलिमेंट लेते हो तो उसमें लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा डी एम इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, और फिर टोटल फोर्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां पे डीएम हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, यहां पर एक्स आ गया ओमेगा स्क्वायर, एक्स कहां से कहां तक, एक्स से लेकर एल तक, हम लोग को सिर्फ इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, तो ये जो इस पॉइंट के बाद वाली जो रॉड है वो रिमेनिंग व्हाइट पोर्शन को खींचने की कोशिश कर रही है, तो बस लिमिट जो है x से l तक ले जानी है। अच्छा, कोफिशियंट अगर टाइम पे वेरी कर रहा हो, टेम्परेचर पे वेरी कर रहा हो, थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, और अगर कोफिशियंट x के टर्म्स में वेरी कर रहा हो तो सीधे आपको ये अल्फा डेल्टा थीटा और dx ये करना होता है और इंटीग्रेट करना होता है, बस ये करना है और कुछ नहीं, तो ये आप लोग आराम से कर लोगे। अच्छा, इसमें पिस्टन को राइट की तरफ डिस्प्लेस किया है बाय स्मॉल अमाउंट एक्स और एडियाबैटिक वॉल से एडियाबैटिक एक्सपेंशन ले लो, तो P1 और V0 बाय 2 की पावर गामा, बाद में प्रेशर कुछ तो P हो गया फाइनल प्रेशर, और इक्विलिब्रियम में दोनों साइड का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसी भी एक के लिए कंसिडर कर लो, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V0 बाई 2 लेफ्ट साइड का वॉल्यूम इंक्रीज किया बाय AX, बस ये इतना करना है, सी ऑप्शन आंसर आता दिख रहा है ऐसे, और RMS वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी अगर डबल करनी है तो टेम्परेचर 4 टाइम्स करना पड़ेगा,
और ध्यान रखना टेम्परेचर को केल्विन में रख देना, बस इतना करना है। तो सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जीटीएससी केमिस्ट्री पेपर। आई होप आप सभी ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है नेक्स्ट लॉट में इसे जरूर अटेम्प्ट करें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उससे भी जरूरी मंडे को इसका वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। और चलिए अब हम लोग पेपर को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 नीडेड टू प्रिपेयर 8.75 मोल्स ऑफ KCl। मतलब 8.75 मोल KCl के बनाने के लिए हमें कितने मोल ऑफ Cl2 की जरूरत है? तो बहुत इजी वे में इसको मैं बनाता हूं। ओके, देखिए, सपोज मैंने माना कि 8.75 KCl को बनाने के लिए मुझे एक स्मॉल Cl2 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि Cl सिर्फ यहीं पर है। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसके एक मोल में KCl एक मोल बनता है, तो एक से कितना बनेगा? एक स्मॉल KCl बनेगा। सो KCl प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट रिएक्शन इज एक स्मॉल, नॉट बिग डील। और ये भी कितना बनेगा? X बनेगा। ये भी कितना बनेगा? X बनेगा। तो इसके अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं। इसके 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो X से कितना बनेगा? 3 से 2, सो 1 से 2 बाई 3, सो X से 2 बाई 3X। सो मोल ऑफ KCl बाय सेकंड रिएक्शन इज एक्स बाई 3 × 2, सो नॉट अ बिग डील। ओके, और KClO3 कितना बन जाएगा? एक्स बाई 3। कोई प्रॉब्लम है? 3 से 1, तो 1 से एक्स बाई 3। ओके, अब यहां पे एक्स बाई 3 मोल इसका कंज्यूम होगा, तो KCl कितना बनेगा? 4 से 1 बनता है, तो एक्स बाई 3 से क्या बन जाएगा? एक्स बाई 3 × 1/4, नॉट कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो तीनों रिएक्शन के आउटपुट हमें मिल गए जो KCl का बन रहा है। सो टोटल मोल ऑफ KCl क्या हो जाएगा हमारा? इतना। और इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किससे? ये हो गया हमारा टोटल मोल ऑफ KCl, और इतना ही जरूरत पड़ेगा Cl2 बनाने के लिए। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, और बहुत इजी वे में X = 5 आंसर आ जाएगा। आई होप ये बहुत इजी वे में आपने इसे समझ गया होगा, ठीक है। और अगर दिक्कत होती है तो इसे प्लीज एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिटन एज KX। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड KX। जनरली हम KC एंड KP पढ़ते हैं, और KX इज द टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको इसका राइट आंसर तो पहले जान लीजिए, B है। इसे मैं प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए, सारे बच्चों को KP और KX का रिलेशन ये पता होता है, KP × KX^(Δn), ठीक है। और अगर KP का रिलेशन आपको ये पता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होता है? खुद का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इसी तरीके से अगर आप सारे के पार्शियल प्रेशर को पुट करोगे इस इक्वेशन में फॉर दिस रिएक्शन, तो आप क्या पाओगे? केसी जो है, केपी जो है, केएक्स के टर्म में ये रिलेशन आ जाता है, KP = KX(P^Δn)। ये हमारा रिलेशन आता है बच्चों, इसे याद रखना, ठीक है। बहुत इजी, आप बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। पार्शियल प्रेशर को जैसे ही पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो KP = KX (P^Δn). तो यहां पे KP इस टर्म में है, और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। सो KC = RT^Δn, और KP = KX (P^Δn). मैंने दोनों को यहां पर देखिए इक्वेट कर दिया, तो KC की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। कोई दिक्कत? KP और KX में ये रिलेशन होता है, और KP और KC में हमारा ये रिलेशन होता है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो बड़ा इजी वे में आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप जैसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन KC एंड KX। KP KC में हमें तो पता होता ही था। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। सो इट्स अ रिएक्शन क्वेश्चन फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। आप इसे जस्ट आप बैलेंस करेंगे, आपको इसका राइट आंसर है B। अगर आपने इसे बैलेंस किया होगा, तो ये कोफिशिएंट मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ X/Y − Z/W। तो आप इसे जब सोल्व करेंगे तो 2.1 इसका आंसर बहुत इजी वे में आ जाएगा। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स बैलेंसिंग, नथिंग न्यू। आई होप आप सभी ने इसको बहुत इजी वे में सोल्व कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन।
व्हेन टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस जिसका सीपी दिया हुआ है हीटेड फ्रॉम T1 टू T2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द चेंज इन एंट्रोपी, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा एस, जो एंट्रोपी होता है गैस को एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में जाने के लिए। तो इसका राइट आंसर तो सी है, देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही आया है। तो डेल्टा एस गैस जो है NCVM ln T2 by T1 होता है, आप इसको डेरिवेशन से कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। और आपको पता है CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, CP की वैल्यू दी गई थी, सो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, CP माइनस R, CP माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, R। तो यहां पे ये रिलेशन इस्तेमाल कर लिया गया है ना, CP की वैल्यू दी गई है और CP की वैल्यू क्या है 5/2 R, सो जस्ट बी प्यूट N की वैल्यू 2, CV की वैल्यू 5, CP माइनस R एंड दिस इज T2 by T1, वी विल गेट द रेशियो ऑफ 2 एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर 3R ln 2. I think this is not a big deal for you. So right answer for this particular question is C. So now next move to the second question. It's a very easy question from atomic structure. A sample of hydrogen atom. Atom are excited to fourth orbit. So N2 equal to 4. And by means of electromagnetic radiation, no electrons are present at the other level. How many maximum spectral lines? So maximum spectral lines kab honge? Jab ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में, सो यू कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला N-1/2, सो 4 × 4 − 2/2, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी 4 − N-1, एक्सट्रीमली सॉरी, N × N-1/2, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ 6. सो फोर्थ सेल से जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो मैक्सिमम 6 स्पेक्ट्रल लाइन हमें ऑब्जर्व हो सकती है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, तो राइट आंसर इज ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम, स्लेग्ड लाइन, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन सीवेज ट्रीटमेंट, ग्रेट, व्हाट इज द मैक्सिमम pH दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द इट्स आयनिक रिएक्शन और KSP दिया हुआ है, बच्चों क्या करेंगे, KSP दिया हुआ है तो दोनों के सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा, तो S की कंसंट्रेशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे, OH की कंसंट्रेशन को, जब OH आ जाएगा तो POH आ जाएगा और PHOH आ जाएगा तो PH आ जाएगा, तो देखिए इसका आंसर B आया होगा, मैं इसको डिटेल्स में बता देता हूं, KSP इक्वल टू हमारा ये होगा बच्चों, सो KSP इक्वल टू आप जब इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा 4S³ S into 2S का होल स्क्वायर इक्वल टू KSP, सो वी विल गेट KSP इक्वल टू 4S³, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S, S मींस दैट इज द सॉल्युबिलिटी क्या हो गया बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ OH आ गया, S की वैल्यू आ गई, तो OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 2S हो जाएगी, इज दिस क्लियर टू everyone, सो OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 2S, सो वी विल गेट दिस वैल्यू, so now you can calculate the concentration of H+, we will get 10⁻¹⁴ by concentration of OH- and now you can calculate the value of pH, आप यहां से pH POH भी निकाल सकते थे, फिर 14 माइनस POH भी कर सकते हैं, बात एक ही है, सो राइट आंसर इज 12.34, ओके, सो नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ B3N3S6 इज एज फॉलोज, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो यहां पर कहा गया है 2H को रिप्लेस करना है और उसकी जगह दो क्लोरीन को हमें यहां पे ऐड करना है, सो हमें कितने डेरिवेटिव्स मिलेंगे इसका आंसर बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप ड्रॉ करके देखिए आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो क्लोरीन लगाना है, तो इसका राइट आंसर है सी, देखिए आई होप आप लोगों ने इन चार स्ट्रक्चर को बनाया होगा, ठीक है, तो दो मेटाफॉर्म में एक ऑर्थो और एक पारा, बोरो नाइट्रोजन सारे कॉम्बिनेशन को अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो चार स्ट्रक्चर आपको बनेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे रहिएगा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ओके, सो वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 4 स्ट्रक्चर, सो राइट आंसर इज सी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिवर, ये IIT का बहुत पुराना क्वेश्चन है, अक्सर आता है, ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिवर वॉज हीटेड टू रेडनेस in an atmosphere of nitrogen and on cooling water was added the gas evolved was, बहुत famous question है, पहले magnesium को जब हम heat करते हैं उसके degree of redness तक nitrogen के साथ
और उसके बाद जब पानी हम ऐड करते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। राइट आंसर होगा अमोनिया। देखिए कैसे, आपने पढ़ा है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में लिथियम और मैग्नीशियम ही नाइट्राइड बनाते हैं, और ये आईआईटी का फेमस क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन अमोनिया बनाकर रिलीज होता है। सो आई थिंक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो NH3 इज द गैस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन PH3। बहुत अच्छी बात है। कई बच्चों को लगता है कि जैसे NH3 में sp3 होता है तो इसका बॉन्ड एंगल 107 के करीब होता है, तो उसी तरीके से PH3 भी sp3 होना चाहिए। अरे बच्चा, अगर PH3 sp3 होता तो इसका बॉन्ड एंगल 93 के लमसम नहीं होता। तो ये ड्रैगन रूल में हम लोग पढ़ते हैं कि यहां पे एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। तो यहां पे जो हमारा, क्योंकि अगर sp3 होगा तो s कैरेक्टर 25% होना चाहिए, ओके, बट यहां पे s कैरेक्टर हायर मैथमेटिक्स से पढ़ोगे तो 6% के आसपास आएगा। इट मींस प्योर p ऑर्बिटल इज टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग। बट जो हमारे पास यहां पे दिया गया है ऑप्शन, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा? डी। द एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3p ऑर्बिटल इज लार्ज इनफ। और हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या पढ़ा है कि ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन उनका होगा जिसका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो डी होगा, ओके। और बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दिया। सो नाउ 10th, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 10th नंबर? इफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर सेम। तो जैसे हाइड्रोजन का है पीरियड क्या है 1 और ग्रुप भी क्या है 1, ओके। बेरिलियम ले लीजिए, पीरियड क्या है 2 और ग्रुप क्या है 2। तो इसका कॉन्फिगरेशन लिखिए, 1s1 एंड दिस इज 1s2 एंड 2s2, ये सबको पता है। तो पूछा इनकरेक्ट, बच्चा इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर मत कर देना, ठीक है। तो इसका n की वैल्यू क्या होगी 1, इसकी n की वैल्यू क्या है 2, इसका n l की वैल्यू क्या हो सकती है 0, इसका l की वैल्यू क्या हो सकती है 1s2 में l की वैल्यू 0 और इसका भी 0। तो पॉसिबल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो सकता है, ऑफकोर्स बेरिलियम के लिए। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजमिथिल क्वांटम नंबर 0, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि दोनों में s आ रहा है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 1, ये झूठ बोल रहा है। ऐसा एलिमेंट जिसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर सेम हो उसमें कभी p नहीं आ रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यही पे गलत हो गया, तो सी इज द राइट आंसर। और पैरामैग्नेटिक हो सकता है क्योंकि जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक लॉजिकली थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। देखिए ना, हाइड्रोजन हो या बेरिलियम हो, दोनों के केस में पी तो है नहीं। जब पी है नहीं तो एल की वैल्यू 1 होगी नहीं, और एल की वैल्यू जब 1 होगी नहीं तो एम की वैल्यू 1 कहां से आएगी? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं, ओके। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें? CHCl3 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये बाय नेम रिएक्शन है। इससे आसान सवाल हो सकता है, फिडलक्राफ्ट है ना, किसको इस्तेमाल करेंगे बच्चों? इसका राइट आंसर है आपका बर्च रिएक्शन एंड फिडलक्राफ्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके प्रेजेंस में, समय कम है इसलिए मैं आपको डिटेल्स, इसका बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बट आई होप आप जैसे बच्चों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। सो क्या होगा? देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर तो सी है, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा? फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन है तो आपका ये रिएक्टेंट बन जाएगा। फिर ये बर्च रिएक्शन है, आप सभी को पता है, दो डबल, एक आपका डबल जो बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएगा, एंड फर्दर जो ओजोनोलाइसिस आपने किया है उसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, यही एक पॉसिबल रिएक्शन है, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, ओके। तो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है, सिर्फ आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जो हमारा मेजर इश्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों इस रिएक्शन में? आई होप किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, सो राइट आंसर इज, सबको क्लियर है, ओके। अब यहां आ जाइए, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहां से करेंगे? ये तो बहुत आसान, 1, 2, 3, 4, दोनों साइड से डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा, इधर से सब्स्टिट्यूएंट आएगा, सो क्या हो जाएगा? 1-bromo-but-2-in, 1-bromo-2-but-in, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। द आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ फिनोल इज हायर दैट ऑफ इथानोल। यार आपको पता है कि फिनोल में क्या होता है,
फिनोल में एक एच हट भी जाएगा तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में डिलोकलाइज हो जाएगा, जिसके कारण एच प्लस देने के बाद भी यह बहुत स्टेबल होगा। आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब ये H प्लस अगर डिनोट रिलीज भी कर देगा तो ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज मोर स्टेबल, सो दैट्स वाई आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ फिनोल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। सो बी इज द सो डिलोकलाइजेशन के थ्रू हम ये हमारा फिनोक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इससे आसान कुछ होगा, किसी बच्चे ने गलत नहीं किया होगा। हालांकि एरोमेटिक को फॉलो करने का कई सारे रूल होते हैं, साइक्लिक हो, कंजुगेशन में हो, बट एक था 4n+2 दैट इज कॉल्ड हकल रूल्स। तो यहां पे फॉलो नहीं है, यहां ये फॉलो नहीं है, यहां ये फॉलो नहीं है, सिर्फ यहीं पे आपका सी में फॉलो हो रहा है, ठीक है। हकल रूल्स कोई किसी को बड़ी बात है क्या? 4n+2 रूल, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 अगर हम इसे 2 रख दें तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारा बन के आ रहा है, बहुत इजी है, साइक्लिक है, ओके, सब कुछ है। सो राइट आंसर इज सी। सो बोनस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, फिफ्थ नंबर, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता है क्या होगा इसका आंसर बच्चों? आंसर नोट कर लीजिए, क्या होगा? सी। क्यों? बहुत इजी है, क्या बोल रहा है? ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव मतलब ऑर्थो और पारा दोनों जगहों पे कौन चला जाए? ब्रोमो आ जाए, तीन जगहों पे, है ना। तो देखिए क्या होगा, आपको पता है OH ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पारा ओरिएंटिंग होता है, ठीक है। सो बच्चा ये तो पॉसिबल था ही नहीं, पारा भी नहीं करेगा और ये कर नहीं पाएगा, तो सिर्फ यही होगा ऑर्थो और पारा, दोनों सिचुएशन को ये मेटा पे रहेगा तो ऑर्थो और पारा दोनों को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो सबसे इजी केस आपका सी बनता है। सो राइट आंसर इज सी। ओके, सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन में। हाँ, एक बार फिर से, अगर जिन लोगों ने GTSE पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, ट्राई टू अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट स्लॉट, और मंडे को वर्कशॉप अटेंड करना मत भूलिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग पेपर, एंड गो प्रेप के साथ आप जुड़े रहें और अपने एग्जाम में अच्छा करते रहें। बाय। Hello students, this is the detailed discussion of GTSE 2020 for class 12 slot 2 maths part. जिसने भी इस slot में GTSE का exam दिया है, I hope सभी लोगों ने अपना best perform किया होगा वहां पर। तो मैं इस session में maths में पूछे गए सारे questions का detail में discussion करने वाला हूं। But before starting the discussion, जितने लोगों ने भी अभी तक GTSE का paper नहीं दिया है, next slot में paper को attempt करो और उसका link description में given है। और मंडे को एक वर्कशॉप है, उसको अटेंड करना मत भूलना। चलो अपने डिस्कशन पर आते हैं। सो दिस वाज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन GTSE स्लॉट 2 फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन पोजेस मोर देन 2 रूट्स पूछे गए हैं। पी की कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन में 2 से ज्यादा रूट्स आएंगे? तो पहले तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। हम लोग को मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक जैसी दिखने वाली इक्वेशन में 2 से ज्यादा रूट्स तभी होते हैं जब उसके तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यूज कितनी हो जाएं? 0। तो फर्स्ट कोफिशिएंट की वैल्यू 0, सेकंड कोफिशिएंट की वैल्यू 0 एंड थर्ड कोफिशिएंट की वैल्यू 0। अच्छा, इसको मैं 0 करूंगा तो आई कैन इजिली फाइंड द 2 वैल्यूज आर 1 एंड 2। इसको अगर मैं 0 करूंगा तो आई कैन इजिली फाइंड द 2 वैल्यूज आर 1 एंड 4। और अगर मैं इसको 0 करूंगा तो वी कैन इजिली फाइंड द 2 वैल्यूज आर 0 एंड 1। P की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए तीनों एक साथ 0 हो जाएंगे? हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, पी इक्वल्स टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन विच इज कॉमन टू ऑल 3 इक्वेशंस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें mth, nth एंड oth टर्म ऑफ एन एपी आर एन ओ एंड एम। दिस इज नॉट 0, दिस इज ओ। हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। कैसे फाइंड कर सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं इस एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लेता हूं और कॉमन डिफरेंस डी। तो अब अगर मैं जनरल टर्म की हेल्प से mth टर्म लिखूंगा दिस इज इक्वल टू एन, nth टर्म लिखूंगा दिस इज इक्वल टू ओ, oth टर्म लिखूंगा दिस इज इक्वल टू एम। अब मैं इनको सिक्वेंशियली सब्ट्रैक्ट करता जाता हूं। देखो सबसे पहले मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 1 minus 2, a और a कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? m minus n into d equals to n minus o। अब मैं 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा?
एम माइनस ओ टाइम्स ऑफ डी इक्वल्स टू ओ माइनस एम। इसी तरह से मैं थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, ओ माइनस एम इंटू डी इक्वल्स टू एम माइनस एम। अब देखो मेरे पास तीन नई इक्वेशन है, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन, इन तीनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो एम माइनस एन, एम माइनस ओ एंड ओ माइनस एम दोनों जगह कॉमन है, और लेफ्ट हैंड साइड में डी तीन बार मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल गेट डी क्यूब। अच्छा, राइट हैंड साइड में भी तीनों फैक्टर्स वही आ रहे हैं, ये तीनों फैक्टर्स कैंसिल होकर हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, डी क्यूब इक्वल्स टू वन। फाइनली कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बार। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे बेस क्वेश्चन है, जिसमें पावर निगेटिव इंटीजर है। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, देख लेते हैं एक बार कैसे ही हम लोग लिख पा रहे हैं। सबसे पहले तो वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स को मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया, वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स। जब मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो टू का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए मैंने टू डिवाइड करके इसको बैलेंस कर लिया है। अब मैं देखो वन अपॉन वन माइनस एक्स को लिख सकता हूं वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, इधर से मैं थ्री कॉमन लूंगा तो आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर टर्म एज वन बाई थ्री, वन माइनस एक्स बाई थ्री की पावर माइनस वन। जैसा कि हम सबको मालूम है कि वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का बाइनोमियल एक्सपेंशन एक जीपी आती है नॉर्मल सी, तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन यहां पर लिखूं so it will be 1 by 2 into इसका expansion which will be something like this, यहां पर n power में आना चाहिए, this is x की power n। अब अगर मैं 1 by 2 इससे multiply करूंगा this will become 1 by 6, और इसका expansion लिखूंगा binomial वाला तो ये मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन में मुझसे coefficient of x की power n पूछा गया है, तो देखो x की power n का coefficient यहां पे कितना आ रहा है 1 by 2, और यहां पे कितना आएगा 1 by 6 into 1 by 3 की power n। तो फाइनली अगर मैं दोनों कोफिशियंट्स को ऐड करूंगा तो आई विल गेट 1 बाई टू, दिस माइनस साइन विल कन्वर्ट दिस कोफिशियंट इनटू नेगेटिव 1, सो दिस विल बी माइनस 1 बाई 6 इनटू 1 बाई 3 की पावर n। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बहुत आसानी से हम लोग ए ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही किया होगा। Find the number of integers greater than 7000 that can be formed using the digits 1, 3, 4, 6, 7 and 8. सबसे बड़ी राहत की बात यहां पर यह है कि digits में जीरो नहीं है, वरना काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। चलो अब 7000 से बड़े कितने इंटीजर्स हैं मुझे काउंट करने हैं, तो देखो 7000 से बड़े 4 डिजिट इंटीजर भी हो सकते हैं, 5 डिजिट इंटीजर भी हो सकते हैं, एंड दे आर 6 इन नंबर्स, तो मैक्सिमम 6 डिजिट नंबर हो सकते हैं। 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो देखो 7000 खुद 4 डिजिट नंबर है, तो अगर मुझे 4 डिजिट नंबर काउंट करना है तो उसका फर्स्ट डिजिट या तो 7 होगा या 8 होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं तो उसका स्टार्टिंग डिजिट या तो 7 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो अगर मैं 4 डिजिट में लेट्स से 1 2 3, तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो 7 आएगा या 8 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले के पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, टोटल कितने हैं 6, उसके बाद कितने ऑप्शंस बचेंगे 4, और उसके बाद कितने बचेंगे 3। सो द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 7000 विल बी 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज 120। अच्छा, ऐसा बाउंडेशन 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर पे नहीं होगा, क्योंकि 5 डिजिट नंबर कोई भी हो 7000 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स कितने आ जाएंगे 720, और 6 डिजिट नंबर्स कितने आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल व्हिच इज अगेन इक्वल्स टू 720। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा सो वी विल गेट 1560, इट मींस बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, तो ये फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आसान तभी कहूंगा जब इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने पहले से कर रखी हो। तो देखो इस फंक्शनल इक्वेशन में एक अननोन है बी, क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल टू 2 इस फंक्शनल इक्वेशन का रूट है, तो अगर x इक्वल टू 2 रूट है तो f ऑफ 2 की वैल्यू 0 हम लोगों को गिवन है। सबसे पहले करेक्ट आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो सबसे पहले f ऑफ 2 हम लोगों को मालूम है, तो देखो मैं x को 1 बाई 2 पुट कर रहा हूं ताकि 1 अपॉन 1 बाई 2 कितना हो जाए 2, तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन में x को 1 बाई 2 पुट करूंगा मुझे मिलेगा
थ्री एफ ऑफ वन बाई टू प्लस बी एफ ऑफ टू इक्वल टू वन बाई टू। एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो एफ ऑफ टू अगर जीरो है तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा? जीरो। मुझे क्या मिलेगा? एफ ऑफ वन बाई टू इज वन बाई सिक्स। अब मैं उसी इक्वेशन में वापस से एक्स को टू पुट कर दे रहा हूं, तो जब मैं एक्स को टू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? थ्री एफ ऑफ टू प्लस बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन बाई टू इक्वल्स टू टू। ये जीरो है, बी की वैल्यू कितनी है? वन बाई सिक्स। तो जब मैं बी को एफ ऑफ वन बाई टू कितना है? वन बाई सिक्स। तो जब मैं इसको वन बाई सिक्स पुट करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ट्वेल्व। तो इस फंक्शन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार एक्स को वन बाई टू रखना था और एक बार एक्स को टू रखना था। क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड काफी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। देखो मुझे कॉस अल्फा फाइंड करना है, टैन अल्फा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, टैन अल्फा बाई टू। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर रहा हूं। देखो टैन थीटा बाई टू आपको गिवन है रूट ऑफ वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई इंटू टैन थीटा बाई टू। मैंने टैन अल्फा बाई टू अलग से फाइंड किया, इसको इधर ले जाकर ये मिलेगा। मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई टैन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखो हम सबको अच्छी तरह से मालूम है मुझे कॉस अल्फा इवैल्यूएट करना है और कॉस अल्फा की वैल्यू होती है वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू। मैं इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे आसानी से डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज वेरी इजी प्रॉब्लम फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन लिमिट का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अब देखो सबसे पहले तो मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉट फोर एक्स को मैं टैन फोर एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कॉट फोर एक्स को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन टैन फोर एक्स, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा नीचे कॉट स्क्वायर टू एक्स को मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर टू एक्स, एक साइन स्क्वायर एक्स यहां पर है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, सो दिस विल बिकम 1 बाई 4 फोर एक्स डिवाइडेड बाई टैन 4x। तो देखो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया। डिनोमिनेटर में मैंने साइन स्क्वायर 2x को ओपन कर दिया, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1 बाई 4 भी कैंसिल हो जाएगा और एक्स टर्निंग टू जीरो पर ये भी वन और ये भी वन, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? वन। इट मींस सी इज द राइट आंसर। तो थोड़े से यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जरूरत थी, आसानी से हम लोग सी ऑप्शन तक पहुंच जाते। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड आसान सा क्वेश्चन। चार पर्संस हैं जो एक टारगेट को हिट करते हैं और हिट करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। सारे लोग इंडिपेंडेंटली हिट कर रहे हैं, टारगेट हिट होना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई देखा जाए अगर कोई एक आदमी हिट कर देगा तो भी हिट माना जाएगा, दो हिट कर देंगे तो भी माना जाएगा, तीन हिट कर देंगे तो भी माना जाएगा, चारों हिट कर देंगे तो भी माना जाएगा। तो कुल मिला के मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट 1%। प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट बाय 1%। सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है बी। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। चार पर्सन एबीसीडी में मान लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट किसकी इक्वल आएगा? टोटल माइनस नन ऑफ फोर पर्सन हिट द टारगेट। अगर मैं टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं कि किसी ने भी हिट नहीं किया तो क्या बचेगा? कम से कम एक ने हिट किया होगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश का मल्टीप्लीकेशन है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्टली। तो देखो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 बाई टू है, ना हिट करने की 1 बाई टू, हिट करने की 1 बाई थ्री है, ना हिट करने की 2 बाई थ्री, 1 बाई फोर 3 बाई फोर 1 बाई एट एंड 7 बाई एट। इसको सिंप्लीफाई करोगे 25 बाई 32 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है, इसका करेक्ट आंसर इज सी। तो देखो y एक्सिस पे पॉइंट होना चाहिए, तो मैं एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं 0, y। अब इसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से 13 होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूं,
तो पी ए शुड बी 13, पी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा तो वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो वाई की वैल्यूज या तो 19 आएंगी या 5 आएगी। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कोनिक सेक्शन से एलिप्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें गिवन है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विद इट्स मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस सेंटर एट द ओरिजिन बी 8। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है 8, फोकस के बीच का डिस्टेंस माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है। सबसे पहले देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, ए। चलो अब डिस्टेंस बिटवीन द फोकस टू AE माइनर एक्सिस की लेंथ की इक्वल है, यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE, E यहां पे इसेंट्रिसिटी है, 2A मेजर एक्सिस है, 2B माइनर एक्सिस की लेंथ है। अब 2B स्क्वायर अपॉन A कितना हो जाएगा, 8 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यहां से B स्क्वायर कितना आएगा 4A, अच्छा B स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, A स्क्वायर, E स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4A, यहां से मैं A कितना निकाल सकता हूं 4 अपॉन E स्क्वायर। अच्छा एक रिलेशन हम सबको अच्छी तरह से मालूम है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, बी स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं इसको यहां पे यूज करूंगा तो देखो बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। अच्छा ई स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, ए आएगा 8, ए को 8 और ई स्क्वायर को 0.5 यहां पे पुट करूंगा, बी कितना आ जाएगा 4√2। अच्छा मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है, तो मैं एलिप्स की इक्वेशन लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल्स टू 1। अब मुझे ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं एक एक करके पुट कर दूंगा एंड वी कैन इजिली फाइंड आउट दैट ए ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 मॉडुलस इनइक्वालिटी पे बेस्ड आसान सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज ए हियर। इसको सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है कि इस वाले नंबर का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 है, तो दिस विल इंप्लाई दैट बड़े वाले मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। मैं 1 ऐड कर दे रहा हूं तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 0 और 2 के बीच में होगा। अब देखो मॉडुलस है तो 0 से बड़ा ऑब्वियसली होना चाहिए, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 मुझे सॉल्व करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब एक्स माइनस 1 की वैल्यू -2 और 2 के बीच में, मैं 1 ऐड कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू -1 और 3 के बीच में हम लोग को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ ऑल टू डिजिट पॉजिटिव नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 यील्ड 2 और 5 एज रिमाइंडर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कितना आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे टू डिजिट नंबर्स जिसको 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आए, उसके बाद रिमाइंडर 5 आए, इन दोनों का एडिशन पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज 1356। कैसे ये देख, सबसे पहले टू डिजिट नंबर्स यील्डिंग 2 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए, ऐसा पहला टू डिजिट नंबर कौन सा होगा 16, आखिरी टू डिजिट नंबर कौन सा होगा 93 और बीच में 7 का गैप आएगा। ये टोटल कितने नंबर्स होंगे तो एपी की हेल्प से हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, दे आर 12 इन नंबर्स। अब अगर एपी का फॉर्मूला यूज करूंगा, एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमें कितना मिलेगा 654। तो देखो 654 तो उन नंबर्स का सम है जो रिमाइंडर हम लोगों को 2 दे रहे थे, उन नंबर्स का क्या जो रिमाइंडर 5 देंगे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 12, आखिरी नंबर कौन सा होगा 96। अगर मैं इन नंबर्स की काउंटिंग करूं तो दे विल बी 13 इन नंबर। अगर मैं इसका सम फाइंड करूंगा तो एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इट विल बी 702। So the final answer will be 654 plus 702. So 1356 is the right answer. Question number 13 की तरफ चलते हैं। Question number 13 तो मुझे लगता है कि slot 2 का सबसे आसान question था, हालांकि देखने में काफी भयानक लग रहा है,
लेकिन एक्चुअल में यहां पर सिर्फ हमसे एक्स की वैल्यूज पूछी गई हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करूंगा, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो पहले मैं 2 पुट करूंगा, फिर 1/4 पुट करूंगा, और फिर 2^3 पुट करूंगा। तीनों ने सेटिस्फाई किया तो ए आंसर, वरना नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलूंगा। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड दैट डी इज सेटिस्फाइंग दिस लॉगरिथमिक इक्वेशन। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ऑप्शन चेकिंग से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो लिमिट पर बेस्ड काफी आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका ए है, देख लेते हैं कैसे। देखो सबसे पहले ये लिखा है 5 sin x, मैंने sin 2x को डबल एंगल फॉर्मूले से लिख दिया 2 sin x cos x, और sin 3x का फॉर्मूला यूज किया 3 sin x - 4 sin 3x। ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से देखो, साइन एक्स कॉमन होके कैंसिल हो रहा है, तो जब साइन एक्स कॉमन होके कैंसिल हो रहा है तो फाइनली क्या बचेगा, यहां बचेगा 5 14 cos x, यहां बचेगा 9 12 sin2x। अब मैं यहां पर एल ऑपिटल रूल यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। तो ध्यान से देखो, 5 का डेरिवेटिव 0, 14 sin x, 9 खत्म हो जाएगा, -24 sin x cos x / 2x। अब देखो मैं ऊपर से साइन एक्स अपॉन एक्स कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 14 - 24 cos x / 2, एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1, cos 0 कितना हो जाएगा 1, सो 14 - 24/2, द फाइनल आंसर विल बी द ए ऑप्शन। चलो अब हम लोग स्लॉट 2 मैथ्स वाले पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इट इज इजियर देन क्वेश्चन नंबर एनी क्वेश्चन इन एनी स्लॉट, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड सबसे आसान क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज डी। सबसे पहले ध्यान से देखो, जेड प्लस 5 तो ठीक है, मैंने इसको लिखा जेड कॉन्जुगेट प्लस 5। हम लोगों को मालूम है कि कॉन्जुगेट एडिशन पे स्प्लिट हो सकता है, तो मैं इसको जेड प्लस 5 कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। And we all know that z into z bar is mod z का स्क्वायर, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन मैं इसी के मॉडुलस के साथ करूंगा, कॉन्जुगेट के साथ करूंगा, तो मुझे इसी के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये 15 क्वेश्चंस थे स्लॉट 2 में मैथ्स वाले पार्ट में, जो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया तुम लोगों के साथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पेपर। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो प्रेप। My name is Ankit Sharma and I am your friend cum mentor for the MAT, the Mental Ability Test. Friends, I hope your GTSE went really well, and if still you have not attempted the same, then please do attempt it in the next slot. The link for the same has been given at the description below. And now let us start with the discussion of the question, and here we start. Guys, simple question, ek arithmetic ka average topic se judta hua simple sa question hai, easily aap log kar sakte ho. And now guys, what is the question telling to you? The question says, the average of 15 results is 25. So guys, the average of 15 results is 25. And the average of 25 results is 15. Find the average of all the results. Alright everybody? So aapko bas isse solve karna hai. Fine. So question ne kya kaha hai? Average ka to bahut hi simple sa question hai ye. The average of 15 results is 25 and the average of 25 results is 15. Find the average of all the results. So all kitne results hai? 15 results yahan par and 25 results yahan par. Ye denominator mein aa jayenge. Jab isko ab solve karoge, 25 into 15, it will be giving you 375. Here also you will be getting 375 and you have to divide it by 40. तो गाइज आपको क्या मिलेगा, 750/40, एंड फाइनली इफ यू सॉल्व देम यू विल बी गेटिंग 18.75, दैट इज द राइट आंसर। तो गाइज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको करेक्टली किया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6845 एंड द HCF ऑफ द नंबर इज 37। गाइज अब आप बताओ, द गिवन HCF, क्या क्या चीजें गिवन है आपको,
The HCF is 37. अब जब HCF ही 37 है, जब HCF ही 37 है, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स हो जाएंगे एक को 37 X मान लो एंड दूसरे को 37 Y मान लो, या 37 A, 37 B मान लो, आपकी मर्जी है. एंड नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज व्हाट? इट इज 6, 8, 4, 5. द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर 37X into 37Y is 6, 8, 4, 5. देयरफॉर गाइस, X into Y क्या हो जाएगा? X into Y हो जाएगा 6, 8, 4, 5 multiplied by, divided by 37 multiplied by 37. All right, इसको जब आप सॉल्व करोगे गाइस, तो आपको क्या आएगा? 6, 8, 4, 5 divided by 1, 3, 6, 9 and finally you will be getting 5. तो गाइस अब यही क्लू है, X into Y की वैल्यू 5 है. All right, तो गाइस वो नंबर्स क्या हो सकते थे? 37X and 37Y. तो गाइस अब बताओ X and Y की वैल्यू क्या होगी? 1 and 5 होगी या 5 and 1 होगी, है कि नहीं? 1 and 5 होगी या 5 and 1 होगी? तो आप कुछ भी कर लीजिए, X की वैल्यू 1 रखो, Y की वैल्यू 5 रखो, या उल्टा कर लो, X की वैल्यू 5 रखो, Y की वैल्यू 1 रखो, आपको तो ग्रेटर नंबर बताना है ना. तो ग्रेटर नंबर वो होगा जिसमें वैल्यू 5 ली जाएगी. मान लो, मान लो कि मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू 5, तो ग्रेटर वैल्यू ये हो जाएगी. फाइन एवरीबॉडी? या उल्टा भी कर दिया, यहां 1 लेके यहां 5 कर लिया, तो ग्रेटर वैल्यू ये हो जाएगी. बट अभी फिलहाल हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. व्हाट इज 37 इंटू 5? अब इसको सॉल्व करो, 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15 एंड इट्स गाइज 185. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड हेंस आंसर टू द क्वेश्चन इज 185. क्लियर एवरीबॉडी? यहां पे बस एक ही चीज है कि जब आप इस स्टेप तक पहुंच जाते हो, यहां पे 5 आ जाता है, तब आपको सोचना है कि वैल्यूज क्या होंगी. 1551 या अगर कुछ और भी है तो उसको भी पुट करके देखो, और ग्रेटर नंबर आपको बताना है. स्मॉलर नंबर बोला जाता 37 हो जाता. फाइन एवरीवन? नेक्स्ट. नाउ गाइस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक तरह से बोनस का काम करते हैं. गाइस, बी प्लस टू is D, B plus 2 C and D, D plus 3 E F G, G plus 4 H I J K and K plus 5. क्या हो जाएगा? K plus 5 L M N O P, L M N O P. All right, अब देखो गाइज यहां पर D plus 4 H, E F G H, H plus 4 L, all right, I J K L, L plus 4 P, M N O P and P plus 4 T Q R S T. तो P and T आ गया. But guys, P and T यहां पर भी है, P and T यहां पर भी है. तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम थर्ड लेटर पर जाएंगे, अब हम थर्ड लेटर पर जाएंगे और थर्ड लेटर पर जाके देखेंगे कि आखिर यहां पर B आ रहा है या O आ रहा है. तो गाइज ये देखो यहां पर क्या चल रहा है, ऐसे देख लो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस. तो गाइज आप प्रीवियस आओ या आप आगे भी जा सकते हो. देखो आप यहां से देखो, टी से क्या होगा, आप आगे जाओ, टी से आगे जाओगे यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स से थ्री स्टेप आगे जाओगे वाई जेड ए, ए से दो स्टेप आगे जाओगे बी एंड सी. तो अब यहां पर क्या होगा, फाइव स्टेप्स आगे यानी यहां पर ओ आएगा. पी टी ओ इज द आंसर. फाइन एवरीबॉडी? या आप उल्टा भी कर सकते हो गाइज, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप माइनस कर लो, यहां से आप माइनस भी कर सकते हो. फाइन एवरीवन? आप यहां से माइनस कर लीजिए, इट इज द सेम थिंग गाइस, आप माइनस कर लो, इट इज द सेम थिंग. फाइन, आंसर विल बी पी टी ओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं गाइस. नाउ गाइस, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑल राइट, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन न जाने कितने बार कर चुके होंगे. एक तरफ कार्तिक के फादर हैं, ऑल राइट, और दूसरी तरफ कार्तिक है. फाइन एवरीवन? कार्तिक के फादर हैं एक तरफ और एक तरफ कार्तिक है. फाइन, दिस इज कार्तिक्स फादर. सो द क्वेश्चन सेज कार्तिक्स फादर्स एज इज 4 times द एज ऑफ कार्तिक, यानी ये प्रेजेंट में दी जा रही है. प्रेजेंट में अभी की बात करें
So Kartik's father's age is 4 times the age of Kartik. Alright, and 3 years ago. Alright, तो गाइज पहले 3 years ago का लिख लो, पहले 3 years ago का लिख लो. हमेशा क्रोनोलॉजी का ध्यान रखो गाइज, क्रोनोलॉजी जो चीज पहले है उसको पहले लिखो. Kartik's father's age was 7 times the age of Kartik 3 years ago. But present में क्या है, प्रेजेंट में जो एज है उसका रेशियो है 4:1. गाइज देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं और इस शॉर्टकट को बहुत ध्यान से देखना. नो वेयर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ शॉर्टकट और इसको आने वाले टाइम में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा. सो कार्तिक्स फादर्स एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ कार्तिक प्रेजेंटली 3 इयर्स अगो. जो पहले हुआ उसको क्रोनोलॉजी में जो भी पहले उसको पहले यानी ऊपर रखेंगे. 3 इयर्स अगो कार्तिक्स फादर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ कार्तिक. तो गाइज अब एक बात बताओ, इनके बीच में कितने साल का फर्क है? 3 साल का फर्क है गाइज, आज और आज से 3 साल पहले 3 साल का फर्क होगा. तो गाइज शॉर्टकट ये कहता है, शॉर्टकट ये कहता है कि आप इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस निकालो जो कि आएगा 3, जो कि आएगा 3. इनका पॉजिटिव डिफरेंस निकालो आ जाएगा 3, एंड दिस 3 हैज टू बी मल्टीप्लाइड टू दिस, यू विल बी गेटिंग 9. यू विल बी गेटिंग 9. बस मॉड डिफरेंस लेना है, निगेटिव में नहीं. तो पहला स्टेप आप इन दोनों का डिफरेंस लो, पॉजिटिव डिफरेंस, यू विल बी गेटिंग 3. नाउ दिस 3 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई दिस 3 एंड यू विल बी गेटिंग 9. एंड फाइनली यू हैव टू डिवाइड देम बाई द मॉड वैल्यू ऑफ 7 × 1 = 7 माइनस 4 × 1 = 4. सो 7 × 1 = 7 माइनस 4 × 1 = 4. सो 9 डिवाइडेड बाई 3 यू विल बी गेटिंग 3. तो ये ऐसा है कि मान लो कि x की वैल्यू 3 है या 1 की वैल्यू 3 है. अब अगर 1 की वैल्यू 3 है सो दिस 7 करिस्पॉन्ड्स टू 28. दिस 1 करिस्पॉन्ड्स टू सी, अगर 1 की वैल्यू 3 है सो दिस 7 करिस्पॉन्ड्स टू 21. दिस करिस्पॉन्ड्स टू 21, राइट? जब 1x की वैल्यू 3 है तो 7x की वैल्यू 21 है. फाइन, इज इट वेरी क्लियर? एंड अब गाइज आपसे क्या कहा जा रहा है, तो देखो 3 years ago कार्तिक के फादर की एज थी 21 years एंड कार्तिक की एज थी 3 years. और अब कहा जा रहा है प्रेजेंटली यानी अभी कितनी एज है. तो आपको क्या करना है, आपको बस 3 years दोनों की एज में एड कर देना है. यहां भी आएगा 24 और यहां पर आ जाएगा 6. ऑल राइट, फाइन एवरी वन, इज इट क्लियर? एंड हेंस द आंसर टू द क्वेश्चन इज 6 years. तो जैसे यहां पर हमने 21 एंड 3 निकाल लिया, इसमें ऐड कर दो 3 years, इसमें भी ऐड कर लो 3 years. यू विल गेट देयर करंट एजेस एज 24 एंड 6. हमसे कार्तिक की एज पूछी गई है, हेंस द आंसर विल बी 6 years, ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? नाउ दिस इज अ वंडरफुल शॉर्टकट एंड दैट इज वेयर एप्टीट्यूड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाय 60. सो लेट मी टेक द नंबर इज एक्स एंड अ नंबर एक्सीड्स 25%. गाइस 25% का मतलब होता है 1/4, है कि नहीं? गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25%? 25% मींस 25%. यू विल बी गेटिंग 1/4. सो अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाय 60. आपको बस क्या करना है, एलसीएम लेना है. व्हाट यू विल बी गेटिंग, 3x बाय 4 इज इक्वल टू 60, इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 60 × 4. फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 × 4/3. एंड व्हेन यू सॉल्व दैट यू विल बी गेटिंग 80 एज द आंसर. एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन गाइस, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 80. आई होप यू आर रियली एंजॉयड द सेशन एंड विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस. डू नॉट फॉरगेट, ऑन मंडे देयर विल बी अ वर्कशॉप, प्लीज डू अटेंड इट. एंड नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेक्शन. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.